लोकसभा चुनाव प्रचार आज अंतिम चरण में है। 19 अप्रैल को विदर्भ की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसी श्रृंखला में आज रामटेक लोकसभा के प्रत्याशी राजू पारवे इनके प्रचार के लिए उमरेड में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रैली में शामिल हुए, जहां शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान हमारी संवाददाता से खास बातचीत की है राजू पारवे ने। हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का प्रचार जो है आज अंतिम चरण में है। कुछ ही देर में जो है आचार संहिता लग जाएगी, प्रचार थम जाएगा। उससे पहले हम देख रहे हैं रामटेक लोकसभा क्षेत्र के उमरेड में आज जो है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा यहां प्रचार किया गया, रैली निकाली गई। हम जानते हैं राजू पारवे, इनसे आज का आखिरी दिन है प्रचार का, क्या बताओगे? आज सुबह से जो प्रचार का आखिरी दिन है, मैं सुबह से बाहर निकला हूँ। हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ जी शिंदे साहब मेरे प्रचार में आए, और आपने देखा होगा कि लोगों में किस्सा उत्साह था। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अभी तक जिन्होंने कभी चाय टपरी पे गए नहीं, जब खूब बाइक चलाए नहीं, आज लोगों में उत्साह देखने लायक था। मैं धन्यवाद देता हूँ सन्मान्य एकनाथ जी शिंदे साहब का कि मेरे लिए वो यहाँ आए और पूरा प्रचार का नियोजन अपने हाथ में रखे उन्होंने। हम सबको बताया, देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, और ऐसे में प्रथम चरण में महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में जो है प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। वैसे ही नागपुर उमरेड रामटेक, नागपुर रामटेक लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भी प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, मतदान होना है, और उसके लिए आज जो है प्रचार जो है आज शाम थम जाएगा। उससे पहले हम देख रहे हैं रामटेक जो है शिवसेना का गढ़ है, और वहाँ पर सीएम जो राज्य के सीएम है शिवसेना से आते हैं, उनका जो है आज यहाँ पर प्रचार होना है, यहाँ पर रैली होनी है, और एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन उमरेड में होने जा रहा है। राजू पारवे यहाँ से प्रत्याशी है, शिंदे गुट से महायुति के प्रत्याशी है, और हम देख रहे हैं कि उसके लिए जो है यहाँ पर आपको देख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। कुछ ही समय में यहाँ से रैली गुजरने वाली है, उससे पहले यहाँ पे हमें पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी दिखाई दे रहा है। और ये जो शक्ति प्रदर्शन है, चुनाव प्रचार थमने के कुछ घंटों पहले होने वाला है। राज्य के सीएम जो है मुख्यमंत्री यहाँ इस रैली में उपस्थित रहने वाले, खासकर राजू पारवे के प्रचार के लिए ये रैली निकाली जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी हमें दिखाई दे रहा है। शहर भर में ये रैली जाएगी और चुनाव के लिए मत जो है मांगे जाएंगे राजू पारवे के लिए। हम देख रहे हैं कि रैली जो है आते हुए दिखाई दे रही है, कड़ी धूप है तो भी लोगों का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद इस रैली को मिल रहा है। आप देख पा रहे हो कि है कि कड़ी धूप में भी जो है युवाओं का प्रतिसाद हमें दिखाई दे रहा है, उनका उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या बताओगे यहाँ पर जो है सीएम की रैली निकाली जा रही है? राजू पारवे फिर एक बार खासदार, अब की बार 400 बार राजू पारवे 19 तारखेला वोट करून त्यांना खासदार बनवा आणि दिल्लीला पाठवा। देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर दिख रहा है कार्यकर्ताओं का जो जोश है, अब की बार 400 पार, अब की बार राजू पारवे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हमें महिलाएं दिखाई दे रही है। महिलाओं से भी हम जानेंगे कि वो भी आज सच धज कर यहाँ आई है रैली में शामिल होने। हम देख रहे हैं कि रैली जो है ये उमरेड का जो चौराहा है वहाँ पर आ चुकी है। आप देख पा रहे हो कि कड़ा पुलिस का बंदोबस्त है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, और उसमें ये सीएम की ये रैली जो है लोकसभा के प्रचार थमने के पहले, चुनाव का प्रचार थमने से चंद घंटों पहले निकाली जा रही ये रैली है। और शाम को आज जो है प्रचार थम जाएगा, उससे पहले ये सीएम का अपने प्रत्याशी के लिए जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, कार्यकर्ताओं द्वारा नारे दिए जा रहे हैं, रैली यहाँ से जा रही है, लोगों का अच्छा खासा प्रतिसाद हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हो कि एक 400 पार का नारा लगाते हुए यहाँ पे कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। अब की बार राजू पारवे सांसद के नारे यहाँ लग रहे हैं, एक तरह से ये शिवसेना का जो है हमें शक्ति प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जो है इस रैली में शामिल है और ये रैली निकाली जा रही है। आज हम देख पा रहे हैं कि बड़े संख्या में कड़ी धूप में भी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए, लोग भी इस रैली का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। हम सबको पता है लोकसभा चुनाव का माहौल देश में है, नागपुर रामटेक लोकसभा के लिए यहाँ पे चुनाव होने हैं, और आज है उमरेड में राजू पारवे के लिए राज्य के मुख्यमंत्री प्रचार के लिए यहाँ आए हैं। आप देख रहे हो कि किस तरह से उनका स्वागत जो है यहाँ पर किया जा रहा है, बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर जो है रैली निकाली गई है प्रचार के लिए, राजू पारवे के प्रचार के लिए रैली निकाली गई है, उसमें खुद
राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए हैं, वो सबसे मतों की मांग कर रहे हैं, वोटों की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सबको पता है कि चुनाव का ये पहला चरण है, जिसमें पहले चरण में रामटेक लोकसभा के लिए भी चुनाव होने हैं और उसके लिए राजू पारवे जो है प्रत्याशी है यहाँ से, और उनके प्रचार के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर आए हैं। हम देख रहे हैं उनका जोर शोर से यहाँ पर जो है स्वागत किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की ओर से फूल बरसाए जा रहे हैं, फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये उमरेड़ का जो है मुख्य चौराहा है, उमरेड़ का मुख्य चौराहा है, हम देख रहे हैं जगनाड़े चौक पर ये जो है स्वागत जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हो रहा है, कार्यकर्ताओं द्वारा ये स्वागत जो है किया जा रहा है। यहाँ पर फूल बरसाकर बुलडोजर से यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं उन पर, और ये स्वागत किया जा रहा है। एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन भी प्रचार के दौरान माना जा रहा है, चुनाव से पहले जो है ये शक्ति प्रदर्शन। उमरेड़ में राजू पारवे का आज जमकर प्रचार हुआ, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को मिला, साथ ही इस रैली को नागरिकों का भारी प्रतिसाद देखने को मिला। मुख्यमंत्री का शानदार स्वागत फूल बरसा कर किया गया, तो वही क्रेन से हार पहनाकर जनके स्वागत किया गया। इस दौरान राह चलते लोगों से सीएम ने संवाद साधा, कोटीराम चाय वाला की टपरी पर चाय का आस्वाद लिया। इसी श्रृंखला में हमारे संवाददाता ने संवाद साधा है। चुनाव का माहौल है, हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे आज जो है राजू पारवे के प्रचार के लिए उमरेड़ शहर में है। इस दौरान आपके चाय के ठेले पर आकर उन्होंने चाय का आस्वाद लिया। इससे पहले कोई ऐसे मंत्री आपके ठेले पर आ गए और आज जो है यहाँ पर उन्होंने चाय पिया है, क्या बताओगे? राजू भैया बाकी नहीं आए, पर ये राज्य के ये मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, इन्होंने चाय का आस्वाद लिया है, क्या बताओगे? पहली बार जो गए ना, कभी कोई आई नहीं ना कुछ भैया ऐसे आते थे चाय पीने के लिए, मगर पहली बार मुख्यमंत्री जी अभी पहली बार आए, मतलब अच्छा लग रहा। अच्छा, ये बोल नहीं पा रहे, खुशी जो है इनकी बहुत ज्यादा खुशी चेहरे से झलक रहे हैं। आपको यहाँ पर जो है चाय के पैसे उन्होंने अदा किए हैं, क्या बताओ? 1000 रुपए दिए, नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती दे दिए। तो हमने देखा कि उनकी खुशी जो है चेहरे से झलक उठ रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। जितने कार्यकर्ताओं और सबने मिलकर यहाँ पे चाय पिए, उनके पैसे जो बिल है वो भी खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अदा किया है, और उनकी खुशी हमें दिखाई दे रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। यहाँ पे कुछ यहाँ के नागरिक है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता, उनसे जानेंगे, क्या बताओगे? मैडम, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे टपरी पे आके चाय पियेंगे करके, लेकिन आज हम वो उतरे, हमने बोले सर चाय चाय चाय, तो गाड़ी वहाँ पे गई और वहाँ से वो नीचे उतरे और चाय पीने के लिए यहाँ पे आए, तो हम पूरे गदगद हो गए कि लगा कि नहीं मुख्यमंत्री हाँ खालचा मानूस है, जमीन लेवलचा मानूस है, आणि तो जमिनीवर येऊन चाय प्याला आम्ही खूप खुश झालो। मला तर इतका आनंद झाला, मी तर आता असा विचार करतो की 400 पार होऊन जाणार जी। हॅपी बर्थडे। यहाँ पे जो है खुशी जो है झलक उठ रही है, क्या बताओगे आप मुख्यमंत्री यहाँ आए? हमारे प्रधानमंत्री ही चाय वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी चाय वाले हैं, हमारे दोनों मंत्री जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों चाय वाले हैं। हम आज आपकी बार जो 400 पार है वो उससे ज़्यादा भी हमारी सीटें आएंगी, और उमरेड़ शहर से जो उमरेड़ विधानसभा लोकसभा है उससे भी राजू बाबू का विजय पूर्ण निश्चित है, ये आज के इसमें बताओ। उमरेड़ शहर में आज चुनाव प्रचार की आखिरी दिन भव्य प्रचार किया गया, जिसमें खुद राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। जहाँ उमरेड़ शहर में रथ पर सवार होकर प्रचार किया, तो वहीं टपरी पर रुककर चाय का आस्वाद लिया, तो वहीं रथ से उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ बाइक पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। यही नहीं, भोजन का आस्वाद भी लिया है। हमने देखा कि जिस तरह से जोर शोर से प्रचार जो है सीएम जो है यहाँ पर राजू पारवे इनका कर रहे हैं, और हमने देखा कि यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया गया, साथ ही साथ उन्होंने एक चाय के ठेले पर जाकर चाय का स्वाद चखा, साथ ही साथ यहाँ से वो बुलेट पर बैठकर यहाँ पे जो है रैली कर रहे हैं। उन्होंने रथ से उतरकर वो बुलेट पर सवार होकर रैली में शामिल हो गए हैं, और इस तरह से आज जो है यहाँ पर महायुति की ओर से शिंदे गुट के प्रत्याशी राजू पारवे का शक्ति प्रदर्शन एक तरह से ये कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मौड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।